असलम दोस्तों, मैं सैयद उमर, आप सभी का मेरे स्टार चैनल में स्वागत करता हूँ। 29 तारीख को नीतीश रानी की जो सभा थी वो लगभग रैली भी होने वाली है और सभा भी होने वाली है। कल हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमने बताया था कि जिला अधिकारी के आदेश के हिसाब से 163 धारा लागू की गई थी अमरावती ज़िले के अंदर, जहाँ पर मतलब रैली रद्द की गई थी। मैंने रैली कैंसिल की ऐसा नहीं कहा था, और ये हमारे दिल की न्यूज़ नहीं थी। कल जिला अधिकारी की ओर से 163 धारा लागू की गई थी। इसके बुनियाद पे हमने आप मेरे बाजू में पत्र देख सकते हैं, आपको अगर पढ़ते आता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हो उसके अंदर, और आप तक ये पत्र पहुँचा भी होगा कि इसके अंदर साफ साफ लिखा गया था क्या 163 धारा लागू की गई ज़िले के अंदर, उसके चलते हुए जमावड़ा नहीं कर सकते, मतलब रैली रद्द होने वाली थी और सभा भी रद्द होने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बनाया गया। उसके बाद में आज के दिन में पत्र रिलीज़ किया गया जिसमें साफ साफ किया गया क्या रैली और सभा होने वाली है। लेकिन फिलहाल इसके अंदर ये बताया गया कि जिस तरीके से पहले रूट तय किया गया था, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने आज सदैवंशी इलाका जो था वहाँ से रूट को चेंज करते हुए दूसरा रूट दिया। रूट का मार्ग ये है चांदूर नाका, वहाँ से फिर अचलपुर नाका, वहाँ से निकल के फिर बियाबानी गेट, फिर वहाँ से निकल के झंडा चौक होते हुए तहसील कार्यालय की ओर से बाइक रैली जो है नीतीश रानी की, वो सदर बाज़ार, टीवी टावर चौक और फिर आखिरी पे कृषि उत्पन्न बाज़ार के अंदर 6 बजे के बाद सभा ली जाएगी। रैली का टाइम 4 बजे से रैली स्टार्ट होंगी जो कि 6 बजे तक के रैली का टाइम है, उसके बाद में फिर सभा ली जाएगी। कई लोगों के मुझे हेट कॉमेंट आ रही थी कि भाई आपने पैसे खा के मतलब इस तरीके की गलत न्यूज़ चलाई। मैंने कोई गलत न्यूज़ नहीं चलवाई थी। जिस तरीके से कल प्रशासन की ओर से आदेश जारी हुए थे कि 163 धारा लागू की गई है और लागू होने के बाद में सभा रद्द की गई है, इस तरीके का उल्लेख था उसके अंदर, उसके बुनियाद पे हमने हमारी न्यूज़ कल रिलीज़ की थी। कई तफ्तीश के बाद में रिलीज़ की थी न्यूज़। तो प्रशासन ने फिर आज और डबल से एक वीडियो रिलीज़ किया कि भाई सभा होने जा रही है। तो मैं उन लोगों से एक ही बोलना चाहूँगा कि जो मुझे हेट कमेंट दे रहे हैं कि मैंने मेरे दिल से इसके अंदर एक न्यूज़ नहीं बनाई थी, मैंने प्रशासन की ओर से जो पत्र आया था उसी के ऊपर से एक न्यूज़ बनवाया था। और मैं अचलपुर वासियों को एक ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि पुलिस का इतना कड़ा बंदोबस्त है अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर के अंदर कि आप जिस तरीके से कहा जाता है ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो बात यहाँ पे अगर से फिट करेंगे तो वो सही साबित होंगी। या पुलिस इतनी खतरनाक तरीके से तैनात है जुड़वा शहर के अंदर, जैसे पुलिस प्रशासन का पूरा 5 जिले से मंगवाया गया जिसके अंदर 100 से अधिक गाड़ियों का बंदोबस्त है जो शहर का कंटिन्यू गश्त कर रही है। 100 गाड़ियाँ, 1200 पुलिस, 134 आला अधिकारी और CRPF के कई जवान मौजूद है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर पूरा हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको अगर से मैसेज मिलता है कि भाई इस तरीके की कुछ अफवाह आती है तो शहर के अंदर इस तरीके का कुछ भी मतलब तनाव पैदा नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन के अंडर में पूरा जुड़वा शहर है और यहाँ पे बड़े से बड़ा आला अधिकारी मौजूद है फिलहाल यहाँ पर अभी। तो इसीलिए मैं पूरे अचलपुर शहरवासियों से भी, और हमारे SP साहब ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया जहाँ पे लोगों को उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके का वीडियो आता है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाए, किसी भी वायरल वीडियो के ऊपर शहर का वातावरण गर्म ना करे और शांति बनाए रखे। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा, क्या किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, शहर का वातावरण शांत है और पुलिस के अंडर कंट्रोल में है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।